नमस्कार, लेट्स गो समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं पालक और बेसन की सब्जी। तो ये सब्जी जो है काफ़ी अच्छा खाने में लगता है, तो इसे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको आपको रेसिपी कैसा लगा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी चीज़ मिस कर जाएंगे। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने पालक लिए हैं, पालक को हमने क्या किए हैं, धो लिए हैं। धो के अच्छी तरह से इसको हमने साफ करके धुल के इसे हमने कट कर लिए हैं। तो ये जो है पालक मेरा वेट में जो है 250 ग्राम ये पालक है। तो हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रखे हैं और इसमें हम डाल रहे हैं ये 2 चम्मच हम बेसन डाल रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं रेड करना है। तो इसको हमें मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से, जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। तो हमने बेसन को भून लिया, देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो हमने बेसन निकाल लिया, अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। तो तेल आप जो भी यूज करते हैं उस तेल में, जिस तेल में आप सब्जी बनाते हैं वो तेल ले सकते हैं। ये हमने सरसों का ले रहे हैं। तो 1 चम्मच हम इसमें तेल डाले हैं, तेल को गर्म होने देंगे। अब हमें इसमें ऐड कर देना है जीरा। तो जीरा हमने 1/2 छोटी चम्मच जीरा ऐड किए हैं। अब इसमें हम हींग ऐड करेंगे। तो हींग हम 2 पिंच हींग ऐड किए। अगर हींग आप नहीं खाते हैं तो हींग को आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च। ये हमने 2 से 3 हरी मिर्च लिए, इसको हमने इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हमें इसमें ऐड कर देना है प्याज। ये हमने 1 प्याज लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पकाएंगे। ये प्याज देख सकते हैं सुनहरा कलर का हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटर। तो ये हमने लिए 1/2 कप मटर लिए हैं। मटर डाल के हम इसे 1 मिनट भून लेंगे। इसी समय ऐड कर देंगे हम इसमें लहसुन ऐड किए हैं। तो 5 से 6 हमने लहसुन की कली लिए हैं, इसे डाल दिए हैं। इस समय हम इसमें ये अदरक डाल रहे हैं। तो अदरक हमने कद्दूकस करके डाले हैं 1/2 चम्मच। आप चाहे तो इसे तरदरा कूट के भी अदरक और लहसुन को आप डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो टमाटर देख, ये मटर देख सकते हैं आप अच्छी तरह से पक चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो हमने 2 टमाटर लिए हैं, इसको हमने कट कर लिया। इसको डाल देते इसे हमें मिला लेना है। टमाटर डालने के बाद हमने इसे 1 मिनट पकाए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाला। तो ये हमने 1/2 चम्मच डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च। तो क्योंकि हमने हरी मिर्च ऐड किए थे इसीलिए, नहीं तो आप मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद हो। 1 चम्मच हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये मसाला जो है आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ये जो है पालक और बेसन की सब्जी, तो काफ़ी अच्छा टेस्टी सब्जी बनके तैयार होगा। इसे आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा आपको रेसिपी कैसा लगा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ये होगा, हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये पालक डाल देंगे। पालक डाल के इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो पालक डाल के से हमने अच्छी तरह से मिला लिया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। तो नमक जो है हम 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दे। और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड किए हैं। गरम मसाला को जो है इसी समय हमें ऐड करना है। और ये जो हमने बेसन भून कर रखे थे ये बेसन को डाल देंगे। अब इन सारे चीज़ों को हमें क्या करना है, अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये जो है काफ़ी अच्छा टेस्टी बन के तैयार होता है। इसे आप पराठा पूरी में के साथ बना खाइए, या फिर बच्चों को टिफ़िन में इसे दीजिए पराठा पूरी के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। इसको आप बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसा लगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेसन डाल के इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया। अब हमें इसमें ऐड कर देना है पानी। ये हम इसमें 1 कप पानी ऐड किए हैं और इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो पानी डाल के इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ज़्यादा पानी पड़ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, पका लेंगे। तो 2 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको पका लेंगे। तब इसको हमें ढक के 4 से 5 मिनट पकाना है मीडियम फ्लेम पर। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। इसको हमने 4 से 5 मिनट पका लिए हैं, अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया है। और ये जो है मेरा सब्जी बन के तैयार है, ये देख सकते हैं। ठंडा होने के बाद जो है ये और ठीक हो जाएगा। तो इस समय जो है बिल्कुल ही सही है ग्रेवी, ठंडा होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तब हम गैस बंद कर देंगे और ऐसे निकाल लेंगे।
तो मेरा सब्जी बनके तैयार है, पालक और बेसन की काफ़ी अच्छा टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।